जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इंडिया में, फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट है। ये बाहर गाँव में बहुत चलता है, आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी एक पूरे वैन के अंदर। ये चीज है ना, ये आपको लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करनी चाहिए। आप एक घर लेके आप चल रहे हो रास्ते पे वही वाली है फीलिंग। और यहाँ पे देखिए भाई, अपना मूवी अभी चालू होएगा यहाँ पे तो इट्स मॉर्निंग 6:30। तो मैं जहाँ कहाँ पे रहा हूँ, वैसे तो आज है संडे, प्लान तो बहुत कुछ थे, बट हमको आज जाना है कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने, जो कि है इंडिया में फर्स्ट टाइम। आप सबको पता भी नहीं रहेगा। एनीवेज, कैसे क्या पब्लिक, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका सबका प्यार नारा मिथ मुंबईकर। अभी बाइक से डायरेक्टली चलेंगे, पहले तो बीएड बाबा को पिक करेंगे और वहाँ से चलेंगे डायरेक्टली वहाँ पर। डेस्टिनेशन पे आना था, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। मतलब जो चीज़ आज मैं आप सबको बता रहा हूँ ना, वो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है और वो है मोटो होम। सबसे पहले ये पर्सन से मिलते हैं, हाय सत्या। तो ये सब जो आपको दिख रहा है ना, बाहर गाँव में ये बहुत बहुत सारा चलता है, बहुत जगह पे है, बट इंडिया में फर्स्ट टाइम। और सत्या भाई से मिलो, सत्या भाई बताएंगे कि एग्जैक्टली भाई ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया। मतलब बेसिकली जो कैरावान इंडस्ट्री है, ये काफ़ी वास्ट इंडस्ट्री है। ये एक टूरिज्म में एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो आगे एक पूरा रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, क्योंकि अभी जिस लोकेशन पे हम लोग जाएंगे या जो लोकेशन एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ फैसिलिटी नहीं होती जहाँ पे आप रुक सकते हो या वहाँ पे टूरिज्म डेवलप कर सकते हो। तो कैरावैन एक ऐसी चीज़ है जहाँ वहाँ पे आप जाके रुक सकते हो, वहाँ पे आप एग्जैक्टली वो कर सकते हो जहाँ पे लोग नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके नहीं कर सकते। तो वैसे कितनी गाड़ियाँ कितनी अपने पास? सो बेसिकली हमारे पास 4 गाड़ियाँ हैं जो हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं, एंड बाकी की जो 4 गाड़ियाँ हैं वो अलग अलग लोकेशन पे, एक लखनऊ में है एंड एक बैंगलोर में है। आज भी कोई गाड़ी पुणे में जाने वाली है? यस, पुणे में वो गाड़ी जाने वाली है एंड एक गाड़ी ऑलरेडी मालसेज घाट में है। ओके, अभी गाड़ी में देखते हैं गाड़ी का एग्जैक्टली व्यू क्या है, गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, क्या क्या सब मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, अंदर चल के पता चलेगा। Wanna be the first who knows all of your deepest secrets? Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? 'Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know, every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So put your hand in mine, I will be there every day. When you're sick of the climb, I will make sure it's okay. I know you didn't ask for any of this, but we reach for the sky, cause we're flying colors now. You connected up, gonna try to keep the pace but someday we will find that the world has changed but we stay true. तो यहां पे आपका ड्राइवर रहेगा ड्राइवर चलाने के लिए। सत्या भाई, अपने को यहां पे क्या-क्या चीजें अवेलेबल है, मतलब क्या-क्या है फैसिलिटीज? सो बेसिकली इसमें 6 लोग के लिए, 6 से 8 लोग के लिए सोने के लिए जगह। सो बेसिकली ये सब सोफा कम बेड्स है, ये बेड्स पूरे यहां तक एक्सपैंड हो जाते हैं। ये वार्डरोब है यहां पे। सब चीजें तो अवेलेबल है। और ये टीवी वाला क्या सीन है? और क्या चाहिए? हॉट प्लेट होता है। ओके, गरम करना है। धन्यवाद।
के ऊपर टेरेस भी है, टेरेस भी है इसमें, साउंड सिस्टम भी हर जगह पे मेरे को दिख रहा है, साउंड सिस्टम भी अवेलेबल है, जबरदस्त। आपको पता है कि मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे विलास, बहुत सारे फार्म हाउस एक्सप्लोर किए, मतलब चीप रेट से लेके हायर रेट तक मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया। बट भाई ये चीज़ है ना, लग्जरियस लाइफ, अगर आपको गाड़ी के साथ में लग्जरियस लाइफ चाहिए, लाइफ जीना है, तो भाई ये लाइफ है विला ऑन व्हील्स। जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इंडिया में, फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट है, ये बाहर गाँव में बहुत चलता है। आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी एक पूरे वैन के अंदर। और अगर आप फार्म हाउस की अगर बात करोगे, विला की बात करोगे, भले ही आपको वहाँ पे स्विमिंग पूल सब कुछ आपको वहाँ पे मिलता है, बट ये चीज़ है ना, ये आपको लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करनी चाहिए। सो दिस इज काइंड ऑफ विला। आप ये विला लेके आप कहीं पे भी जा सकते हो, दिन में आप 3-4-10 स्पॉट्स आप घूम सकते हो, और क्या चाहिए लाइफ में। मैंने ये वाला वैन आप सबको एक्सप्लोर करवाया अभी, जिस चीज़ का था इंतज़ार, अभी एक वैन लेके तो हम लोग जाएंगे ही कहीं पे, तो थोड़ा चिल करेंगे, और वो वैन है ये। वैन तो चालू हो गया, अभी चलते हैं वैन के अंदर, थोड़ा घूम फिर के आएंगे, एक जगह पे थोड़ा रुकेंगे। ये वाले वैन में भी है ना, दो जन का स्लीपिंग है यहाँ पे, और बाकी 8 लोग तो आराम से जा सकते हैं, बेड भी, ये सब तो आपको दिख ही रहा है। क्या फंडा है भाई, मैं फाइनली निकल गया अभी यहाँ से। और अभी वैसे तो ये लोकेशन है कहाँ पे, ये है विरार वसई का जो हाईवे है ना, हाईवे पे ही है एग्जैक्टली, तो मुंबई से तो बहुत पास में है भाई। आपको अगर देखना है सबसे पहले तो देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो आप ले सकते हो, और ये पर किलोमीटर के हिसाब से है। डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मेंशन किया, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। वैन के हिसाब से रहता, अभी ये एक वैन है, दूसरा एक वैन था वो बड़ा वाला वैन था, उसका अलग रेट है, इसका अलग रेट है। आप एक घर लेके आप चल रहे हो रास्ते पे, जो एक्सपीरियंस है ना भाई, मतलब यहाँ पे वैन लगाई है, एक लैंड पे आए खुलेआम, हमने मैगी बनाया, मैगी का टेस्ट भी इतना भारी आ रहा है ना, ये सब सत्या भाई की वजह से हुआ है। सबसे मेन बात रहता है ना, जिधर भी जाओगे ना, कचरा अपने साथ में ही लेके जाना। हम लोग ने भी पूरा जमा किया है, क्योंकि इतने अच्छे नेचर के प्लेस पे ना गंदगी नहीं किया जाना चाहिए। बाहर तो छिल करके जबरदस्त हो गया, अभी अंदर जाएंगे, अंदर थोड़ा छिल मारेंगे। Watching shallow dreams.
बाहर भी चिल कर लिया, अंदर भी चिल कर लिया। ये वाला जो एक्सपीरियंस था ना, वो आप सबको भी करना चाहिए, क्योंकि ये वाला कुछ नया चीज मैंने आपके सामने एक्सप्लोर किया। आई होप आप सबको अच्छा लगा रहेगा। और कुछ भी अगर डिटेल्स वगैरह चाहिए, कुछ भी, या प्राइस के रिलेटेड या जो भी है आपका कंसर्न, आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो सत्या भाई से। मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर, नाम और लिंक भी डाल दिया है। आई होप आपको ये वाला नया चीज मैंने जो एक्सप्लोर किया आपको सबको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगना ही चाहिए, क्योंकि ये सब जगह पे आपको देखने नहीं मिलेगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस। इट्स मिथ मुंबईकर, एंड एज ऑलवेज से कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड नेवर फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ। बाय। चलो अभी घर पे निकलने का अभी टाइम हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ ना ये खरीद ही लूँ, बट थोड़े से पैसे की कमी है बस मेरे पास। मतलब ये पूरा वैल्यू कितना रहेगा, 1 crore 28 lakh। yes, बस मेरे पास है ना 1 crore 27 lakh 99, इतना ही कम है। मतलब 5-6 हज़ार मेरे जेब में पड़ा है, किसी के पास है तो भाई ले लेंगे, उठा लेंगे।